फिर से सोने की चिड़िया बनाने का हमारा संघर्ष है, तो हमको सबको मिलकर फिर से इसको सोने की चिड़िया बना लेने दो। हमको जरूरत नहीं, हमको जरूरत नहीं धर्म और जात पात में बंटने की, हमको जरूरत नहीं धर्म और जात पात में बंटने की, हमको कोई जरूरत नहीं धर्म और जात पात में बंटने की। हमको हमारा हिंदे वतन, हमको हमारा हिंदे वतन अब और अच्छे से सजा लेने दो, अब और अच्छे से सजा लेने दो, और अब और बहुत अच्छे से सजा लेने दो, सजा लेने दो, सजा लेने दो। तो मेरे भाइयों बहनों, ये मेरे अंदर के भाव कहते हैं मन तो चंचल होता है। क्या होता है? मन की बहुत आवाज सुनी हमने, लेकिन मन सब जानते हैं कि मन बहुत चंचल होता है, लेकिन ये आवाज, ये आपके भाई संजय अग्रवाल की आत्मा की आवाज है। ये क्या है? आत्मा की आवाज। ये क्या है बोलिए ना? आत्मा की आवाज। ये आत्मा की आवाज है। संजय अग्रवाल अपनी आत्मा की आवाज सुना रहे हैं आपको, और आपकी आत्मा की आवाज मेरे तक बहुत बखूबी पहुंच रही है, इसलिए ये स्वदेशी सत्याग्रह आंदोलन आज से यहाँ से शुरू हो रहा है। और जो भी लोग आए हैं वो तारीख बनेंगे, तारीख बनेंगे, इतिहास बनेंगे, देश बदलेंगे। आज ये जो कार्यक्रम है, मैं उसमें कुछ मन की नई आत्मा की बातें करना चाह रहा हूं, वो भी कर देता हूं आपसे। कि वैसे तो अखिल भारतीय व्यापार महासभा वैश्य व्यापारियों का संगठन है, सामाजिक आंदोलनों को प्रोटेक्ट करने का संगठन है, माताओं बहनों को, किसानों को, मजदूरों को, दलितों को, सबको समान अधिकार दिलाने का, सबको आर्थिक मजबूत करने का संगठन है। लेकिन कुछ चीजें हैं जो देश में लोगों से छूट गई, तो मैं कुछ बातें आपसे कर रहा हूं, और वो बातें हमेशा के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि जैसे हमने कहा कि कोई सताए हमें बताओ, वैसे हमने बहुत पहले ये कल्पना की थी कि आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा, कैसे देश सोने की चिड़िया दोबारा बनेगा। तो हमने एक नारा दिया था, बहनों ध्यान से सुनना आपके मतलब की बात है, मेरी बहनों